सुशांत सिंह राजपूत जिनके हादसे को तकरीबन 5 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन उनके केस से जुड़े कई पहलू ऐसे भी हैं जो अभी तक सामने नहीं आए। सुशांत के एक्स मैनेजर दिशा सालन के हादसे को लेकर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। लगातार उनके हादसे को सुशांत सिंह राजपूत के हादसे से जोड़ा गया। इस बीच अब दिशा के मंगेतर रोहन रॉय को लेकर बड़ी खबर सामने आई। जी हाँ, आपको बता दें कि रोहन रॉय इस समय मुंबई में है और वो पुलिस ऑफिसर्स के टच में है। खबरों की माने तो रोहन मुंबई से भाग गए थे, लेकिन अब ये इस बात साफ हो गई है कि रोहन मुंबई में ही है। वो मुंबई पुलिस के मुताबिक दिशा केस के रोहन पर किसी तरह का शक नहीं है, उनकी भूमिका को शक के दायरे में नहीं रखा गया। दिशा सालियन जिसके साथ 8 जून को हादसा हुआ था, दिशा सालियन जिसे लेकर सवाल ये था कि या तो दिशा सालियन को पीछे से किसी ने धक्का दिया है या फिर दिशा सालियन गलती से अपने फ्लैट से गिर गई है। पुलिस ने इस मामले पर गहराई जताई और सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए। खबरों की माने तो पुलिस अपने स्टैंड पर कायम है और सुशांत और दिशा केस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, इस बात का खुलासा खुद मुंबई पुलिस ने किया। लेकिन जहां पर दिशा के इस मामले को सुशांत के साथ जोड़कर रोहन रॉय पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि 8 जून को जब दिशा सालियन रोहन रॉय के फ्लैट पर गई थी पार्टी मनाने के लिए, तब रोहन ने दिशा को अकेला फ्लैट में क्यों छोड़ा और वो 4 लोग कौन थे जिन्होंने दिशा के साथ बदतमीजी की और उसके बाद दिशा के साथ हादसा हो गया। इस बीच अब रोहन रॉय ने किया है खुलासा। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मेरे नाम को इस मामले पर घसीटा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है और मैं चाहता हूं कि जो भी ऐसे बेफजूल की खबरें बनाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा और उनके खिलाफ FIR दर्ज भी करवाऊंगा। जी हाँ, इस बात का खुलासा खुद दिशा सालन के बॉयफ्रेंड रोहन रॉय ने किया है, जो ये कह रहे हैं कि जो भी उनके खिलाफ फेक न्यूज़ बनाएगा या उनके खिलाफ कोई गलत बयानबाजी करेगा तो उनके खिलाफ वो FIR दर्ज कर सकते हैं ताकि लोगों तक सच पहुंचे और बेफजूल की खबरें इस तरीके से वायरल ना हो। तो ये था वो चौंकाने वाला बयान दिशा सालियन के बॉयफ्रेंड रोहन रॉय का। नेक्स्ट लाइन लाइफ से रजनी की रिपोर्ट।